सेंधवा शहर के बीच में संपूर्ण सुविधाओं के साथ आनंदम सिटी में आज ही करवाएं अपना प्लाट बुकिंग। पहले दिन प्लाट बुकिंग करने पर 32 इंच एलईडी टीवी, 12 एक्टिवा लकी ड्रा के माध्यम से बुकिंग राशि 31,000 रुपए मात्र। 12 माह की आसान किश्तों पर आनंदम सिटी में उपलब्ध सुविधाएं, सीमेंट कांक्रीट रोड, वाटर लाइन, लोन सुविधा उपलब्ध। रेरा पंजीकृत सिटी, पता आनंदम सिटी, देवगिरी रोड, सेंधवा, जिला बड़वानी। बुकिंग के लिए संपर्क करें 6262303088 6262313177। बड़वाह। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी मानधाता में चुनावी सभा में जाने से पहले बड़वाह के कांग्रेस विधायक सचिन बिरला के कार्यालय पहुंचे। यहां विधायक सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। स्वागत के तुरंत बाद पटवारी मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। चर्चा के दौरान जीतू पटवारी ने जमकर बीजेपी नेतृत्व एवं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। पटवारी ने बीजेपी पर कमलनाथ की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व एमएलए गिरिराज दंडोतिया वर्तमान में शिवराज सरकार में मंत्री है। उनका कहना है कि कमलनाथ अगर दिमनी में कोई बात ऐसी कर दे तो वह यहां से जिंदा नहीं जाते। गिरिराज दंडोतिया ने जो वक्तव्य दिया है, क्या वह ज्योतिरादित्य व शिवराज की शह पर दिया है? और शिवराज जी स्पष्ट करें कि क्या भाजपा कमलनाथ जी की हत्या करने की साजिश रच रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता उपस्थित थे। इसके साथ ही उन्होंने कमलनाथ द्वारा इमरती देवी पर दिए बयान पर कहा कि उन्होंने बाद में सब स्पष्ट किया है। वहीं इमरती देवी द्वारा कमलनाथ को लेकर दिए बयान पर भी सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बात मुद्दों की नहीं हो रही है। कृषि बिजली बिल बढ़ोतरी, दूध के दाम, खरीदी में गिरावट, कोरोना संक्रमण रोकने के मामले में फेल हुए विधायक की मंडी लगाकर बेचने वाले सिंधिया एवं खरीदने वाली बीजेपी को जनता चुनाव में देखेगी। अब हिंसा पे उतर आई है, धमकी पे उतर आई है। गिरिराज दंडोतिया एमएलए थे, पूर्व अभी मंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, शिवराज सिंह चौहान में मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ अगर दिमनी में कोई बात ऐसी कह देते तो जिंदे यहां से नहीं जाते। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अब हिंसा पे उतर आई है। और गिरिराज दंडोतिया ने जो वक्तव्य दिया, एक मंत्री का वक्तव्य, मैं मानता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज की शह पे दिया। शिवराज जी स्पष्ट करें कि क्या भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी की हत्या करने की साजिश रच रही है? क्या कारण है कि गिरिराज दंडोतिया ने यह वक्तव्य दिया? इमरती देवी जिनको लेकर कमलनाथ जी पर आपत्ति ली गई, उनके शब्दों पे, उनके भाव पे नहीं गए, शब्द पे गए, वाक्य पे गए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कमलनाथ जी ने। उसके बाद इमरती देवी जी ने जो वक्तव्य दिए कल, क्या भारतीय जनता पार्टी उससे सहमत है? और अगर सहमत है तो मध्य प्रदेश की जनता देखे कि ये वो चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जिसने किस तरीके का मध्य प्रदेश में आतंक मचा रखा है। पहले लोकतंत्र को तार तार किया, अब उनके लोग हिंसा, हत्या, धमकी और इस तरह के बयान क्या शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी की शेप दे रहे हैं? मध्य प्रदेश की जनता देखें। और इस 24 चुनाव में, 28 चुनाव में, इसका मैं खासकर उन मतदाताओं से कहना चाहता हूं, मुद्दे की बात नहीं करेंगे कि किसानों के कर्ज माफ करने थे वो क्यों खा गए आप, मुद्दे की बात नहीं करेंगे कि किसानों के कृषि के बिजली बिल जो आधे किए थे वो क्यों समाप्त कर दिए, मुद्दे की बात नहीं करेंगे कि दूध के भाव क्यों घटा दिए, मुद्दे की बात नहीं करेंगे कि गरीबों का पीला बिल 150 रुपया 150 यूनिट क्यों समाप्त कर दिया, मुद्दे की बात नहीं करेंगे कि कोविड और कोरोना में इतने लोग हताहत हुए इसके लिए दोषी कौन है। ये बात आर्थिक दम पे, पैसे के प्रभाव में विधायकों को खरीदने की मंडी लगाने वाली पार्टी, खरीदने वाले शिवराज और बेचने वाले ज्योतिरादित्य जी, जिन लोगों को बेचा वो मंडियां बंद कर रहे हैं और विधायकों की मंडी लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है कि जनता देखे, समझे और इन लोकतंत्र के हथियारों को सबक सिखाए। सर बताए। खरगोन। भावसार क्षेत्रीय समाज द्वारा शारदीय नवरात्रि के अवसर पर पिछले 402 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही खप्पर की परंपरा का आज भी बखूबी निर्वहन किया जा रहा है।
खप्पर की परंपरा के तहत महाअष्टमी की मध्य रात्रि में निमाड़ी गरबियों के साथ माता अम्बे का खप्पर निकाला गया। इस दौरान ब्रह्म मुहूर्त में माता अम्बे एक हाथ में जलता हुआ खप्पर और दूसरे हाथ में तलवार लेकर श्रद्धालुओं को दर्शन देने पहुंची। खरगोन के भावसार मोहल्ले में भावसार क्षत्रिय समाज द्वारा करीब 402 वर्षों से माँ अम्बे का खप्पर निकाला जा रहा है। शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी को निकलने वाले माता अम्बे के खप्पर को देखने के लिए खरगोन सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहीं इस बार कोरोना काल को देखते हुए आयोजन समिति द्वारा खप्पर के आयोजन के पूर्व कार्यक्रम स्थल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया।